हेलो एवरीवन, ये अलीबाग का सेकंड पार्ट है। वीडियो काफी लेट आया मानता हूँ, थोड़ा सा काम में बिजी हो गया था तो वीडियो एडिटिंग करने में थोड़ा डिले हो गया, बट वीडियो काफी अच्छा बना है तो पूरा वीडियो देखिएगा। गाड़ी हम लोग ने पार्क कर दिया है। ये वाला जो बीच है ना, ये वाला बीच में लोग कम है एकदम, बोलते ना मतलब है, सुकून है यहाँ पे भी, क्राउड नहीं है ज्यादा, साइलेंट है, पानी एकदम पीछे है। अभी टाइम है सनसेट को। हम लोग यहाँ से आए और यहाँ का नजारा कुछ इस तरीके का है। थोड़ा कम दिख रहे हैं मेरे को, यहाँ के लोकल वाले ज्यादा दिख रहे हैं। जो मेन जो है ना, टूरिस्ट वाले जो विजिट करते हैं वो अलीबाग बीच, जहाँ मैंने आपको पहले बताया था। और इस बीच की खासियत यह है, सॉल्टी सॉल्टी स्मेल नहीं आ रहा है जैसा हम लोग के अपने इधर आता है। ये बीच में और अलीबाग के बीच में फर्क ये है कि क्राउड क्लीन तो ये भी है, वो भी क्लीन है। अभी चलते हैं विला, जिस विला में हम लोग रुके हुए हैं उसपे है पूल, तो हम पूल में एंजॉय करेंगे। यहाँ पे हम लोग को केकड़े का पैर दिखा, तो ये खेकड़ा है जिसकी वजह से ये खेकड़ी डर रही है। एकदम इसको लेके घूम नहीं सकते। देखो बाकी बच्चे लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, एकदम खेल रहे हैं, सब कुछ भाग रहे हैं, नंगे पैर भाग रहे होंगे। कुछ ज्यादा नीचे हो गया, थोड़ा सा कुछ सपोर्ट है। एक्सक्यूज मी, थोड़ा अपना मुंडी ऊपर करेंगे। यस, बीच घूम के हो गया है। अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे अपने विला में। बात रही अभी यहाँ पे पार्किंग की, तो मुश्किल से मिला है, पर ऐसे तैसे करके हम लोग ने लगा दिया है, क्योंकि ये बड़ी गाड़ी है ना, छोटी गाड़ी आराम से आती है यहाँ पे। जो विला में हम लोग रुके हैं ना, वहाँ से हम लोग वॉकिंग करेंगे ना, 5 मिनट में बीच पहुँच जाएंगे। अगर गाड़ी से आते तो 2 मिनट। अभी वक्त हो रहा है 10:30 बज रहे हैं और हम लोग डिनर के लिए बैठे हुए हैं। अपने विला में आए थे तो हम लोग ने चेंज किए और कुछ मस्ती हम लोग ने पूल में किए, तो थोड़ा बहुत आप झलकी देख सकते हैं। रात को एंजॉय किया जा रहा है। हटो 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 हटो, बैक फ्लिप, हटो बैक फ्लिप। ओ आराम से और अभी का हाल ये है कि हम लोग डिनर के लिए बैठे हैं और डिनर में हमारे को यहाँ पे मिला है, ये फिश थाली है, ये चिकन थाली है और ये वेज थाली है, और सिफी के लिए दाल चावल। ये कौन है? ये जितने भी प्लेट दिख रहा है ना, उस प्लेट में से ये सब में से कुछ ना कुछ खाएगी और इसका पेट भर जाएगा। तो चलिए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं और बताते हैं आपको कैसा है टेस्ट। ये मच्छी तो फाइनली हमारा डिनर हो गया है, बाकी सब लोग ऊपर चले गए, हम लोग जहाँ खाए थे वहीं पे बैठ गए, क्योंकि यहाँ का खाना इतना स्वादिष्ट है। इस विला में ना इनकी खुद की कैंटीन है जहाँ पे घर का टेस्ट का खाना मिलता है। हम लोग ने रिपीट में बहुत सारी चीजें मंगाए, अभी हम लोग थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। बहुत अच्छा सा माहौल बन गया है, एकदम ठंडा है, हवा चल रहा है। गाँव खेड़े साइड में जहाँ पे आवाजें आती है, जो आवाज आता है वो अच्छा लग रहा है, मतलब एकदम अच्छा फील हो रहा है, और शोर शराबा नहीं, साइलेंट है। आसपास और भी बहुत सारे विलाज है, बट अभी पूल हमको चाहिए था तो यहाँ पे हमें पूल मिला है। अच्छे से मैं आपको ये विला नहीं दिखा पाया, कल जब मॉर्निंग में मैं आप लोगों को इस विला के बारे में बताऊंगा तो फुल डिटेल ही बताऊंगा। पूरी फैमिली के साथ आएंगे ना तो एक अच्छा वक्त बिता सकते हो, अगर आप दोस्तों के साथ आओगे, फ्रेंड सर्कल के साथ आएंगे तो फुल्ली चिल कर सकते हो, यहाँ फुल छूट है, बिंदास आप इंजॉय कर सकते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं, गुड नाइट, शब्बा खैर, कल सुबह मिलते हैं, बाय। द नेक्स्ट डे, सो
सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज का अपडेट ये है कि हम जो विला में रुके हैं उसके बारे में आपको बताना। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, ये अलीबाग बीच से कम 9 किलोमीटर दूर है। गाड़ी में आपको 20 मिनट्स लगेंगे, बट एकदम चीप एंड बेस्ट आपको मिलेगा विला अगर आप यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज है आपको मैं बताता हूँ, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। 3 फ्लोर का रिसोर्ट है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये है कपल रूम, अब आप देख सकते हैं ये है फैमिली रूम। इस फैमिली रूम में 3 की कैपेसिटी है, 4 पीपल या 5 पीपल रहेंगे तो एक्स्ट्रा बेड आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो आपको अगर पार्किंग का कोई टेंशन है तो यहाँ पे आके कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पीछे ये है पार्किंग एरिया। पूरी फौज लेके आ सकते हैं गाड़ी के साथ। अभी चलते हैं अंदर, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत गार्डनिंग किया गया है, फ्लावर्स वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं, जिससे मतलब और भी अच्छा लग रहा है। और एक चीज, यहाँ की सबसे बेस्ट चीज जो मुझे लगी, स्विमिंग पूल। और यहाँ पे स्विमिंग पूल मिलेगा, वो भी बड़ा। सो ये देख सकते हैं पूल, यहाँ फैमिलीज एंजॉय कर सकती है, कपल्स वगैरह सब। अगर कहीं पे ना ब्लैक दिखे तो मुंह से बोल दे, तो मैं रिटेक लूंगा अब, ठीक है। इस पूल की जो हाइट है वो है 5 फुट, जो बच्चे लोग का है वो है 3 फुट का। यहाँ पे बड़े लोग से लेकर छोटे लोग दोनों पूल पे एंजॉय कर सकते हैं। बता मेरे को फ्रेम सही है तो फिर मैं शुरू करूँ, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे आएंगे ना, तो यहाँ पे खाने पीने का टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। खाने पीने में आपको यहाँ पे चाइनीज छोड़ के सब कुछ मिलेगा, फूड के लिए अलग से पे करना पड़ता है। यहाँ पे बात करूँ यहाँ के प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग के लिए आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ का जो ओनर है उनका मैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एड्रेस, गूगल मैप, सारा चीज आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नॉर्मली यहाँ पे जो प्राइसिंग होती है वो है 2200 रुपीज समथिंग होती है, आप एक बार कॉल जरूर कर लेना। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे जैसे, तो उनसे आप लोगों को मिलाता हूँ और इस विला का रिव्यू पूछेंगे कैसा लगा, क्या है। कल से हम उनको देख रहे हैं। मैं आपसे एक छोटा सा इस विला का रिव्यू ले सकता हूँ ये वीडियो के लिए? तो आप कल से यहाँ पे, मैं आपको देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ, आपके बच्चे भी हैं, कैसा लग रहा है आपको? The villa is very good and very clean. The main thing is the cleanest part जो आपको यहाँ पे मिलेगा. Rooms are very clean and nice and the food is awesome because you will get the budgeted amount में अच्छा food मिलेगा. Plus the service and the people over here who are servicing us, they are very nice and humble. So I would suggest everybody should come here and visit it. Thank you. इससे पहले आप देख रहे कि मैंने लंच बाहर किया था, बट डिनर मैं यहाँ पे किया था रात में। कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे आपको लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर तीनों अवेलेबल है। अब क्या आगे, क्या आगे? वही पूल है, एंजॉय करेंगे और क्या, आपको भी बताएंगे एंजॉय करके। हम मिलते हैं आपको पूल में। सो अभी हम लोग आए हैं पूल पे एंजॉय करने के लिए, और यहाँ पे ऑलरेडी पानी में घूम रहे, क्या बात है। सुपी यहाँ एंजॉय कर रही है। वाह, हेलो सर, हेलो। यहाँ पे स्विमिंग पूल के मजे हो रहे हैं, और यहाँ से विला देखो कितना मस्त दिख रहा है। इस विला का नाम क्या है? अनंत विला। सीन ये है, पूल में सिर्फ हम लोग हैं, काफी एंजॉय कर रहे हैं, काफी मजा आ रहा है। आई होप कि आप लोगों को भी मजा आता होगा। तो अगर मजा आ रहा है तो जरूर लाइक कर देना इस वीडियो को, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। बने रहे, एंजॉय कीजिए।
अभी हम लोग रिसोर्ट से अभी निकल चुके हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं लंच के लिए, जो कि हम लोग ने सोचे थे कि थोड़ा बहुत घूम फिर के उसके बाद में लंच करेंगे, बट यहीं पे टाइम हो गया, तो अभी हम लोग डायरेक्ट जा रहे हैं लंच करने के लिए, उसके बाद देखते हैं आगे का क्या प्लान है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो मेरा नाम लेंगे ना तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा इंस्टेंट, तो आप आके फुल इंजॉय कर सकते हैं। तो अभी हम लोग आए हैं विवा रेस्टोरेंट में अपना लंच करने के लिए और हमारा लंच स्टार्ट भी हो गया आना। तो मसाला पापड़ यहाँ पे आ चुका है हमारा, ये है हमारा स्टार्टर, आया भी और खत्म होने पे भी आ गया। किसी ने व्लॉग के पास ध्यान ही नहीं दिया, वीडियो लेना है। लीजिए आपका तंदूरी वापस। बाकी टेस्ट कैसा है? बहुत अच्छा। मैं रेकमेंड करूंगी अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आके ये डिश जरूर ट्राई करें। पापड़ भी अच्छा लगा, स्पेशली चटनी एकदम फ्रेश है, बहुत सही है। सो फाइनली खाना हो गया, खाते खाते हम लोग के 6 बज गए। अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बीच की तरफ, फिर वहाँ से हम लोग निकल जाएंगे घर की तरफ। और यहाँ का जो 2 दिन हमारा गया है बहुत ज़बरदस्त, रोड ट्रिप पे निकले हैं ना तो टाइम अगर मैनेज नहीं कर पाएंगे ना तो काफ़ी इंजॉयमेंट रह जाती है, जैसे कि हमारा काफ़ी टाइम हम लोग ने घर से निकलते निकलते टाइम बर्बाद कर दिया। सो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। आ जाओ, मेरा हाथ दुख रहा है, शूट कर रही थी, कैमरा का वजन बहुत है। सो अभी हम लोग आए हैं बीच पे खाना खाने के बाद और क्या ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। ये जो सुकून है ना, ये सुकून हम आपको बयां नहीं कर सकते, बट हाँ आप अगर यहाँ पे आएंगे तो जरूर फील जरूर कर पाएंगे। ये जो सुकून है और फ्रेशनेस है ये मुंबई में नहीं मिलता है, पर जो भी है ठीक है, एंजॉय करते हैं। आप भी थोड़ा सा टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए। तो अभी टाइम हो रहा है 9:15, हम लोग ने चाय ब्रेक लिया है, ये देख सकते हैं मेरी चाय, मस्त फ्रेश होते हैं यहाँ पे और उसके बाद में अपनी जर्नी कंप्लीट करेंगे। तो फाइनली जर्नी कंप्लीट होती है, हम आए हैं कुर्ला और यहाँ पे हमने ऑर्डर दे दिया है। यहाँ का जो स्पेशल है चिकन पकौड़ा वो दिया है, चिकन तंदूरी जो है वो फेवरेट है वो भी ऑर्डर दिया है, और साथ ही साथ हम लोग चिकन पंजाबी ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे, स्पाइसी है और तंदूरी रोटी, बस खाएंगे और घर पे जाके सो जाएंगे। सो हम लोग का पहला ऑर्डर आ चुका है, स्टार्टर चिकन पकौड़ा, सेकेंड स्टार्टर हमारा हाफ चिकन तंदूरी। मुंह में पानी आ रहा है, मन में लड्डू फूटा, ये ऐसा सुम में लेने का और यहाँ रख देने का, बाकी तुम्हें संभाल लो। फाइनल डिश आ चुका है, ये है पंजाबी और इसके साथ में हम लोग ने मंगाया है बटर नान और सादा नान, क्या पता किसी को बटर नान पसंद हो, इसलिए दोनों ऑप्शन रखा है। कैसा लगा पंजाबी? बढ़िया है ना, इसने तो पूरा तंदूरी खा गई। हो गया हमारा खा पी के मस्त, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया, सब चीज़ बढ़िया था। अभी चलते हैं ठीक है, गाड़ी सीधा घर पे। कुर्ला से खाना खाने के बाद हम लोग आए थे घर पे, घर पे आने के बाद हम लोग सब लोग सो गए, वीडियो को एंड नहीं कर पाया मैं, अब वीडियो को एंड करता हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए, पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।